ओम अज्ञानतिमिरांधस्य ज्ञानंजनशलाखया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की। श्रीमद् भगवद गीता तृतीय अध्याय श्लोक क्रमांक 21। यद यद आचरति श्रेष्ठा तत्तद्देवे तरोजना सयत् प्रमाणं कुरुते लोकस्तद् अनुवर्तते। यद यद आचरति श्रेष्ठा तत्तद् देवे तरोजना सयत् प्रमाणं कुरुते लोकस्तद् अनुवर्तते। भगवान ने कहा यत यत यानी जो जो आचरति श्रेष्ठ, श्रेष्ठ व्यक्ति जैसा आचरण करते हैं तत् तत् वैसा वैसा एवे तरो जना, जना यानी सामान्य मनुष्य श्रेष्ठ व्यक्ति का ही अनुसरण करते हैं। तो श्रेष्ठ व्यक्ति कौन है? जो बहुत सुंदर है, जो बहुत शक्तिशाली है, बहुत ज्ञानी है, बहुत धनी है, बहुत बलवान है, ये कुछ गुण हैं जो लोगों को श्रेष्ठ बनाते हैं। बहुत यशस्वी है, तो ऐसे श्रेष्ठ लोग जो भी आचरण करते हैं सामान्य लोग उनकी नकल करते हैं, देखा देखी ऐसा ही करते हैं। तो भगवान ने कहा देखो अर्जुन, तुम भी एक रॉयल फैमिली यानी तुम भी उच्च कुल में जन्मे हो, साथ ही साथ तुम महान योद्धा हो, तुम एक प्रकार से नायक हो, हीरो हो। यदि तुम अपने कर्तव्य से विमुख होगे तो लोग तुम्हारा अनुसरण करेंगे। यानी जैसे अर्जुन ने युद्ध भूमि में अपने कर्तव्य से विमुख होकर अपनी पीठ दिखा दी, तो भविष्य में लोग उदाहरण के रूप में तुम्हें ऐसे प्रस्तुत करेंगे, कहेंगे कि अर्जुन ने भी तो अपना कर्तव्य का पालन नहीं किया। तो यद यद आचरति श्रेष्ठ तत्तद् देवे तरोजना सयत् प्रमाणं कुरुते, और ऐसा श्रेष्ठ व्यक्ति जैसा प्रमाण स्थापित करता है, प्रमाण यानी सर्टिफाइड करता है, रिकमेंडेशन देता है, तो फिर लोकस्तद् अनुवर्तते, सामान्य लोग उसी का अनुसरण करते हैं। और हम देख भी सकते हैं संसार में, मानो कोई तथाकथित सुंदर कोई फिल्म अभिनेता या कोई अभिनेत्री एक विशेष प्रकार के वस्त्र पहने तो हजारों करोड़ों लोग बस उसी प्रकार के फैशन में लग जाते हैं। किसी नायक ने एक विशेष प्रकार के केस का श्रृंगार किया, हेयर स्टाइल, तो फिर लोग उसकी बेवकूफ़ी की नकल उतारने लगते हैं। सामान्य रूप से ये श्रेष्ठ नहीं है, वास्तविक रूप से श्रेष्ठ वह व्यक्ति है जो भगवान का भक्त है। क्योंकि ऐसे लोगों का कोई चरित्र नहीं होता, न ही इन्हें धर्म का कोई ज्ञान होता, ये केवल और केवल पैसा कमाने के लिए तथाकथित अपने गुणों का एक प्रकार से व्यापार करते हैं। इसका अनुवाद मेरे पीछे दोहराएं, श्रेष्ठ व्यक्ति जैसा जैसा आचरण करता है दूसरे व्यक्ति भी वैसा वैसा ही आचरण करते हैं। श्रेष्ठ व्यक्ति जो कुछ प्रमाण स्थापित कर देता है दूसरे लोग उसी के अनुसार आचरण करते हैं।
क्योंकि श्रेष्ठ व्यक्ति की छोटी बड़ी जो भी क्रियाएं होती हैं सामान्य लोगों की नज़र होती है उस पर, एक प्रकार से दूरबीन लगाकर देखते हैं और माइक्रोस्कोप से देखते हैं कि उन्होंने ऐसा क्यों किया, वैसा क्यों किया। उनके यहाँ तक कि हाव भाव के ऊपर भी सामान्य लोगों के ऊपर असर पड़ता है। तो यहाँ भगवान कहते हैं कि श्रेष्ठ व्यक्ति जैसा आचरण करता है तो सामान्य व्यक्ति वैसे आचरण करते हैं, यानी श्रेष्ठ व्यक्ति जो कहता है केवल उसका प्रभाव नहीं पड़ता। हालांकि यदि श्रेष्ठ व्यक्ति ने मानो किसी चीज़ को उत्तम बता दिया कि ये बहुत श्रेष्ठ वस्तु है तो सामान्य लोग सोचते हैं कि हाँ देखो टीवी में देखा था इतने बड़े विख्यात व्यक्ति ने कहा है कि ये जो वस्तु है बहुत ही श्रेष्ठ है, चलो चलो हम सब उपयोग करते हैं, लोग देखा देखी करने लगते हैं। जैसे मानो एक प्योर आयुर्वेदिक सोप है लेकिन उसका किसी प्रकार का कोई विज्ञापन नहीं है, और एक थर्ड क्लास का साबुन है लेकिन उसका विज्ञापन किया जाता है, किसी फिल्म अभिनेत्री ने वो बताया कि मेरी सुंदरता का राज ये साबुन है, तो लोग उसे उत्तम कोटि के आयुर्वेदिक साबुन को छोड़कर ये तृतीय श्रेणी के साबुन का उपयोग प्रारंभ कर देंगे, होता है ना ऐसा। तो पूरा विज्ञापन जो इंडस्ट्री है, एडवर्टाइजिंग इंडस्ट्री, ये इसी के ऊपर चल रहा है। तो ऐसे हम गलत व्यक्ति को यदि हमने रोल मॉडल बना लिया अपने जीवन में तो हम न चाहते हुए भी गलत चुनाव करेंगे। पहले के समय में यदि पूछो किसी से किसी का रोल मॉडल क्या है तो कोई किसी विशेष साहित्यकार का नाम लेते थे, किसी महापुरुष का नाम लेते थे, कोई आध्यात्मिक गुरु का नाम लेते थे। लेकिन इस कलयुग के प्रभाव में ऐसे तथाकथित आध्यात्मिक गुरु भी, उनकी भी संख्या में कमी आ गई है जो प्रमाणिक हों, जो इस प्रकार के रोल मॉडल के रूप में अपने आप को प्रस्तुत कर सकें। तो ऐसे जो एक प्रकार से वैक्यूम क्रिएट हो गया, तो इस वैक्यूम को पूरा करने के लिए, इस खाली स्थान को भरने के लिए तथाकथित फिल्म अभिनेता अभिनेत्री और कुछ स्पोर्ट्स स्टार, इन्होंने आकर उस स्थान को पकड़ लिया। अब सामान्य व्यक्ति से पूछा जाए कि आपका रोल मॉडल कौन है तो या तो किसी नेता का नाम लेगा या किसी अभिनेता का नाम लेगा या अभिनेत्री का या किसी क्रिकेट स्टार या और किसी स्पोर्ट्स स्टार का नाम लेगा। वो किसी ऐसे जिसका चरित्र बहुत ऊंचा हो, जिसने समाज में कोई बहुत श्रेष्ठ कार्य किया हो, गिने चुने लोग ऐसे व्यक्तियों का नाम लेंगे, या संसार में जिसने बहुत धन कमाया है चाहे कितना भी धोखाधड़ी क्यों ना किया हो, लोग ऐसे ही व्यक्ति का नाम लेंगे। तो चूंकि समाज में हमने ऐसे लोगों को ही श्रेष्ठ मान रखा है इसीलिए समाज की इतनी दयनीय स्थिति है। तो एक तरफ तो हम समाज कहते हैं कि इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन हो गया, 21st सेंचुरी में साइंटिफिक और टेक्नोलॉजिकल कितना प्रोग्रेस हुआ है, लेकिन साथ ही साथ हिंसाएं भी बढ़ रही हैं, दुराचार में लोग लिप्त पाए जा रहे हैं, कई प्रकार के और गलत कार्य कर रहे हैं। क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि श्रेष्ठ व्यक्ति आदर्श प्रस्तुत करने वाला नहीं है। जिन्हें हम श्रेष्ठ मानते हैं वे भी दुराचारी हैं। तो चाहे आप किसी कंपनी के CEO को ले लें या मैनेजर को ले लें या किसी राजनेता को ले लें या किसी अभिनेता को ले लें या अन्य किसी व्यक्ति को लें, ये लोग केवल, इनका दो प्रकार का जीवन है, एक है प्राइवेट लाइफ और एक है पब्लिक लाइफ, एक दिखाने का दांत अलग और खाने का दांत अलग। लेकिन जो वास्तविक रूप से श्रेष्ठ मनुष्य होते हैं उनका केवल एक जीवन होता है, ना कुछ छुपाने योग्य है और ना कुछ दिखाने योग्य है। तो जब हम ऐसे श्रेष्ठ व्यक्ति का अनुसरण करते हैं तो हमारे जीवन में भी श्रेष्ठता आती है। श्रीमान चैतन्य महाप्रभु ने कहा, आपनी आचरी प्रभु जीवे रस सिखाए। भक्त को चाहिए कि वो स्वयं आचरण करके दूसरों को सिखाए। श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि यदि कोई स्वयं धूम्रपान करता है तो अन्यों को धूम्रपान नहीं करनी चाहिए, इसकी शिक्षा नहीं दे सकता, और देता भी है तो उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो सभी लोग बोलते हैं अच्छे बनो अच्छे बनो, लेकिन जब तक कोई अच्छा व्यक्ति इस बात को नहीं उच्चारित करता उसका कोई असर नहीं पड़ता। तो यद्यपि इतना प्रचार किया जा रहा है, अलग अलग नारे लिखते हैं लोग, यहाँ वहाँ बोर्ड पे ऐसे बड़े बड़े साइन बोर्ड लगा रहता है, किताबों में नैतिक शिक्षा के नाम पर कितनी कुछ दी जा रही है, फिर भी लोग नैतिक नहीं बनते। क्योंकि श्रेष्ठ व्यक्ति के आचरण से मनुष्य सीखता है, केवल कहने से नहीं। तो भगवान आगे के श्लोक में कहते हैं,
नामे पार्थ अस्ति कर्तव्यम्। त्रिषु लोकेषु किंचन नानावाप्तम अवाप्तव्यम्। वर्त एव च कर्मणि नामे पार्थस्ति कर्तव्यम्। त्रिषु लोकेषु किंचन नानावाप्तम अवाप्तव्यम्। वर्त एव च कर्मणि। भगवान स्वयं का उदाहरण देते हुए कहते हैं कि मेरे लिए भी संसार में कुछ करने योग्य नहीं। भगवान ने कल के श्लोक में कहा था कि वह व्यक्ति जो स्वरूप सिद्ध है, आत्म साक्षात्कार को प्राप्त है, परमहंस है, ऐसे व्यक्ति के लिए संसार में कोई कर्म नहीं, फिर भी वह कर्म करता है। क्यों? दूसरों को आदर्श प्रस्तुत करने के लिए। जो आत्मारामी है, आत्मतृप्त है, आत्मा में ही रमण करने वाला है, आत्मसंतुष्ट है, तस्य कार्यम न विद्यते, ऐसे व्यक्ति के लिए कोई कार्य नहीं। फिर भी ऐसा व्यक्ति भी संसार में सक्रिय रहता है। क्यों? दूसरों को शिक्षा देने के लिए। तो भगवान अपना उदाहरण देते कहते हैं, नमे पार्थ अस्ति कर्तव्यम। हे पार्थ, हे प्रथानंदन, मेरे लिए इस संसार में कोई कर्तव्य नहीं है। क्योंकि हम कार्य क्यों करते हैं? आनंद के लिए, सुख के लिए। भगवान सुख के स्रोत हैं। इस संसार का समस्त प्राणी भगवान से आनंद प्राप्त करते हैं। भगवान आनंद घन है, आनंद के रिजर्वायर ऑफ ऑल प्लेजर। तो भगवान अपने आनंद के लिए किसी व्यक्ति पर निर्भर नहीं रहते, तो फिर उन्हें क्या करना? कुछ नहीं करना, फिर भी भगवान करते हैं। क्यों करते हैं? त्रिषु लोकेषु किंचन, तीनों लोकों में मेरे लिए कुछ भी पाने योग्य नहीं है, सब कुछ उन्हीं की है। नाना वाप्तम अवाप्तव्यम, अवाप्तव्यम यानी कि पाने योग्य। वर्त एव च कर्मणि, फिर भी मैं इस संसार में कर्तव्य कर्म का पालन करता हूँ। जो भी निर्दिष्ट धर्म के अनुसार आचरण है, मैं उन सभी आचरणों को निभाता हूँ। इसका अनुवाद मेरे पीछे दोहराइए। हे पार्थ, मेरे लिए न तो तीनों लोकों में कुछ कर्तव्य है, न कुछ प्राप्त करने योग्य वस्तु अप्राप्त है, फिर भी कर्तव्य कर्मों में ही मैं लगा रहता हूँ। तो जब भगवान भी कार्य करते हैं, तो फिर ऐसा कौन सा व्यक्ति है जो यह कहे कि मुझे कोई कार्य करने की आवश्यकता नहीं है? हाँ, कुछ ऐसे भजनानंदी को छोड़। भजनानंदी उन भक्तों को कहते हैं जो केवल भजन में ही आनंद लेते हैं। वो एकांत स्थान में रहते हैं, ना उनको टीवी की आवश्यकता है, ना मोबाइल की आवश्यकता है, ना अच्छे भोजन की आवश्यकता है, ना अच्छे वस्त्र की आवश्यकता है, ना अच्छे मकान की आवश्यकता है। वो कहीं एकांत में रहते हैं, केवल भगवान के भजन में लीन रहते हैं। जो भी उनको मिल गया संयोगवश, खाने को भिक्षाटन करके उससे उन्होंने अपने उदर की पूर्ति कर ली, नहीं मिला तो पानी पी लिया, पानी भी नहीं मिला तो उपवास कर लिया। पूर्णतः ऐसे लोग भजन में डूबे रहते हैं, उनके लिए भी कोई कार्य नहीं है, क्योंकि संसार से कोई अपेक्षा नहीं है। लेकिन सामान्य व्यक्ति जो इस संसार में रहता है, संसार से कई प्रकार की सुविधाएँ स्वीकार करता है, तो ऐसे व्यक्ति को कुछ करना चाहिए। तो भगवान अपना उदाहरण देते हुए आगे के श्लोक में भी कहते हैं, यदि ही अहम न वर्तेयम् जातु कर्मण्य अतन्द्रिता मम वर्तमानु वर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वसा। यदि ही अहम न वर्तेयम् जातु कर्मण्यतिन्द्रिता मम वर्तमानु वर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वसा। तो कोई पूछे, भगवान को क्यों कार्य करने पड़ते हैं, क्यों भगवान कार्य करते हैं? तो भगवान इसके उत्तर में कहते हैं, यदि ही हम न वर्तेयम्, यदि मैं
कर्म न करूं, जातु किसी समय कर्मण्य अतिन्द्रिता, मैं अपने निर्दिष्ट कर्तव्यों का सावधानी से यदि पालन न करूं तो मम वर्तमान वर्तन्ते, फिर सब मेरा अनुसरण करेंगे, क्योंकि भगवान से बड़ा कोई प्रमाण नहीं, भगवान सबसे बड़े आदर्श हैं। तो मनुष्या पार्थ सर्वसा, सभी मनुष्य मेरा ही अनुसरण करेंगे, सब फिर मेरे जैसे बन जाएंगे कि देखो कृष्ण ने भी तो कोई कर्म नहीं किया तो फिर मैं क्यों कर्म करूं। इसका अनुवाद मेरे पीछे अधूरा है। हे पार्थ, यदि किसी समय मैं सावधानी से कर्तव्य कर्म ना करूं तो सभी लोग सभी प्रकार से मेरे मार्ग का अनुसरण करते हैं। हालांकि ऐसा नहीं हो सकता कि भगवान कभी कर्म ना करें, फिर भी उन्होंने कहा कि मान लो कि यदि मैं कर्म नहीं करता तो फिर सभी लोग कर्म करना बंद कर देंगे। तो कोई पूछे ठीक है सभी लोग कर्म करना बंद कर देंगे तो समस्या क्या है, तो अगले श्लोक में भगवान कहते हैं, उत्सी देउरी में लोका ना कुर्याम कर्म चेदहम संकरस्य च कर्तास्याम उपहन्या इमा इमाह प्रजा उपहन्याम इमाह प्रजा उत्सी देउरी में लोका न कुर्याम कर्म चेदहम संकरस्य च कर्तास्याम उपहन्याम इमाह प्रजा। उत्सी देव कहते हैं भ्रष्ट नष्ट होने को, क्योंकि सामान्य लोग कर्म नहीं करेंगे तो सब नष्ट भ्रष्ट हो जाएंगे, क्योंकि वे आत्मारामी नहीं है, वो आत्मतृप्त नहीं है, वो आत्मसंतुष्ट नहीं है। जो आत्मतृप्त आत्मसंतुष्ट आत्मारामी है उनके लिए कोई कर्तव्य नहीं है, क्योंकि कुछ बनना नहीं कुछ पाना नहीं, भगवान के भजन में इतने आनंदित हैं। लेकिन सामान्य व्यक्ति जिसे संसार में कुछ पाना है कुछ बनना है कुछ सिद्ध करना है तो फिर कर्म भी करो। तो उत्सी देव यानी ऐसे सामान्य लोग जो मेरा अनुसरण करेंगे वे सब नष्ट भ्रष्ट हो जाएंगे लोका यानी इस लोक में मनुष्य। न कुर्याम कर्म चेदहम, यदि वे कर्म न करें तो संकरस्य च कर्ता स्याम, और मेरे कर्म न करने के कारण फिर संकरस्य यानी ऐसे अधर्म में प्रवृत्त होंगे जिससे अवांछित संतानें उत्पन्न होंगी, वर्ण संकर उत्पन्न होंगे। तो भगवान अर्जुन को कहते हैं कि देखो यदि तुमने अपने कर्तव्य का पालन नहीं किया तो जन समुदाय वर्ण संकर होंगे और उसके लिए तुम जिम्मेवार होगे। क्योंकि अर्जुन ने प्रथम अध्याय में कहा था कि मैं युद्ध करूंगा तो इस युद्ध में सब मारे जाएंगे, वृद्ध मारे जाएंगे, गुरुजन मारे जाएंगे, सारे पुरुष मारे जाएंगे, उसे अधर्म फैल जाएगा, फिर अधर्मा भी भवात कृष्णा प्रदुष्यंती कुल स्त्रियाँ, फिर कुल की स्त्रियाँ प्रदूषित होंगी और स्त्रियों के प्रदूषित होने से वर्ण संकर उत्पन्न होंगे और वर्ण संकर उत्पन्न होने से कुल धर्म नष्ट होगा, जाति धर्म नष्ट होगा, इस प्रकार से लुप्त पिंडो दको क्रिया सब कुछ नष्ट हो जाएगा। लेकिन भगवान उसी के तर्क को खंडन करते हुए कहते हैं यदि तुम युद्ध नहीं करोगे तो वर्ण संकर होगा, क्योंकि तुम्हारे जैसे क्षत्रिय से अपेक्षा की जाती है वह आदर्श प्रस्तुत करे, अपने कर्तव्य का पालन करे। क्योंकि अर्जुन के द्वारा यह युद्ध स्वयं को सुखी होने के लिए नहीं किया गया बल्कि केवल और केवल सेवा समझकर धर्म का पालन के रूप में किया गया। इसका अनुवाद मेरे पीछे दोहराएं, यदि मैं कर्म न करूं तो ये सभी लोग नष्ट भ्रष्ट हो जाएंगे और मैं वर्ण संकरता को उत्पन्न करने वाला एवं समस्त प्रजा को नष्ट करने वाला होऊंगा। तो भगवान अपना उदाहरण देते हुए कह रहे हैं कि देखो यदि मैं नहीं करूंगा अपने कर्तव्यों का पालन तो मेरे ऊपर दोष लगेगा, देखो कृष्ण ने यह कार्य नहीं किया, उसी प्रकार यदि तुम नहीं करोगे तो तुम्हारे ऊपर भी दोषारोपण लोग करेंगे। तो समस्या का समाधान क्या है, इस संसार में जो भी नेता के पद पे हैं, जो अपने आप को एक लोगों का ऐसा लीडर समझते हैं,
तो उन्हें भगवान का भक्त बनना चाहिए, क्योंकि भगवान का भक्त बनने से स्वाभाविक रूप से ही सारे दिव्य गुण आ जाते हैं। जस्यस्ति भक्तिर भगवती अकिंचना सर्वई गुणैस्तत्र समासते सूरा हराव भक्तस्य कुतो महद गुणा मनोरथेन असति धावतो बही। जो भगवान के भक्त होते हैं, जो भगवान का नाम उच्चारण करते हैं, उनके भीतर सारे गुण आ जाते हैं। अलग से उन्हें सत्यवादी बनने का प्रयास नहीं करना, उन्हें ईमानदार बनने का प्रयास नहीं करना, उन्हें नशा से मुक्त होने का प्रयास नहीं करना, उन्हें मांसाहार सेवन वर्जित करना है इसके लिए अलग से प्रयास नहीं करना। भक्त बनने से ही सारे गुण आ जाते हैं, लेकिन जो भक्त नहीं बनते उनके अंदर कोई अच्छे गुण नहीं होते। और यदि कभी अच्छे गुण दिखाई भी देते हैं तो वे तत्कालिक होते हैं, अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए थोड़े समय के लिए अच्छे बन जाते हैं। श्रील प्रभुपाद ने भी जब भारत में प्रचार कर रहे थे तो वे लाल बहादुर शास्त्री से मिले। कई बार प्रभुपाद ने प्रयास किया कि जो भी समाज में श्रेष्ठ लोग हैं, जो अपने आप को नेता समझते हैं, श्रील प्रभुपाद ने लेटर लिखा, गांधी जी को भी उन्होंने खत लिखा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को खत लिखा, फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, उन्होंने जवाहरलाल नेहरू को पत्र लिखा, उन्होंने सरदार वल्लभ भाई पटेल को चिट्ठी लिखी, लेकिन किसी का उत्तर नहीं मिला श्रील प्रभुपाद को। लेकिन 1964 में लाल बहादुर शास्त्री जो वर्तमान के उस समय प्रधानमंत्री थे, तो उन्होंने प्रभुपाद जी की बात सुनी और प्रभुपाद जी ने उनको एक मैगजीन दिया और श्रीमद् भागवतम का प्रथम खंड दिया। तो किसी पत्रकार ने उस समय एक फ़ोटो खींच ली, बाद में वो फ़ोटो प्रभुपाद को लाकर दिया कि देखिए आपका फ़ोटो प्रधानमंत्री के साथ है। तो प्रभुपाद भी चाहते थे कि समाज में जो भी श्रेष्ठ हैं वे लोग श्री कृष्ण भक्ति को ग्रहण करें, फिर जब वे दूसरों को प्रेरित करेंगे तो सामान्य लोग बहुत ही आसानी से धर्म के मार्ग में अनुसरण करेंगे। तो फिर प्रभुपाद ने देखा भारत में लोग स्वीकार नहीं कर रहे, तो श्रील प्रभुपाद ने अपने गुरु महाराज की बात मानकर वे अमेरिका चले गए, जो भौतिक रूप से संपन्न देश है, जिसे हम श्रेष्ठ देश मानते हैं। फिर श्रील प्रभुपाद ने अमेरिका के लोगों को भगवान का भक्त बना दिया। फिर अमेरिका से जब लोगों को लेकर भारत में आए तो फिर भारतीय लोगों ने इस कृष्ण भक्ति को गंभीरता से ग्रहण किया। इसलिए इस संसार में जो श्रेष्ठ हैं, जो बड़े लोग हैं, उनको भी भक्त बनाना परम आवश्यक है। यदि एक भी समाज का प्रभावशाली व्यक्ति भक्त बन जाता है तो उसके देखा देखी सैकड़ों हजारों लाखों लोग भगवान से जुड़ जाते हैं। तो कभी कभी लोग भक्तों के ऊपर ऐसे आक्षेप करते हैं कि आपकी सोसाइटी में तो केवल बड़े बड़े लोग जुड़े हैं, आप तो केवल धनी लोगों को और बुद्धिमान लोगों को प्रचार करते हैं, पढ़े लिखे लोगों को प्रचार करते हैं, अब गांव-गांव जाकर क्यों नहीं प्रचार करते? बहुत ऐसे लोग हैं, गरीब हैं, अनपढ़ हैं। हाँ, हम उनको भी प्रचार करना चाहते हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि पहले जो समाज में श्रेष्ठ लोग हैं यदि वे भक्त बन जाएं तो सामान्य लोग ऑटोमेटिक भगवान से जुड़ जाएंगे। तो हरिनाम के भीतर काफ़ी शक्ति है। यदि कोई व्यक्ति हरिनाम का आश्रय लेता है, भगवान के भक्तों का संग करता है, तो वह भी श्रेष्ठ बन सकता है। तो भगवान ने इन तीन श्लोकों में स्वयं का उदाहरण प्रस्तुत किया कि देखो मैं आत्मारामी हूँ, फिर भी मैं कार्य करता हूँ, क्योंकि मैं कर्म नहीं करूँगा, सामान्य लोग मेरा अनुसरण करेंगे, वे भी कर्म नहीं करेंगे, लेकिन उनकी स्थिति वो दिव्य नहीं है और इस प्रकार वे लोग नष्ट भ्रष्ट होंगे, मैं इसका जिम्मेवार नहीं बनना चाहता, इसीलिए मैं भी कर्तव्य का पालन करता हूँ। आगे की चर्चा हम कल करेंगे। श्रील प्रभुपाद की।